हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू सिंह स्टडी सेंटर। टुडे आवर टॉपिक ऑन नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस के हमारे पर हमारी वीडियो चल रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस को कवर किया था। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन से हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ब्राउटर, रिपीटर एंड एनआईसी। लास्ट वीडियो में हमने हब, स्विच और राउटर, ब्रिज, गेटवे, रिपीटर को कवर किया था। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है? ब्राउटर। ब्राउटर क्या है? ब्राउटर, जैसे नेम से ही पता लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड इज ब्रिज एंड राउटर। और इसके अंदर और फंक्शनलिटी ऑफ ब्राउटर क्या है, ब्राउटर कैसे काम करता है, इसके बारे में आज जानेंगे। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एज द नेम सुजेस्ट, ब्राउटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड ब्रिज एंड राउटर। सो इसके अंदर ब्रिज की भी क्वालिटी है और राउटर की भी क्वालिटी है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ब्राउटर। ब्रिज क्या करता था कि जस्ट रिसीव द पैकेट एंड फॉरवर्ड द पैकेट। ब्रिज एक्ट एज ए रिपीटर भी काम करता था, सिग्नल को रिसीव करता था, रीजनरेट करता था एंड रीट्रांसमिट करता था। और राउटर क्या करता था? टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता था। टू डिफरेंट नेटवर्क मीन्स जैसे लैन को और वैन को कनेक्ट करना है। राउटर को हम इंटरकनेक्टिंग डिवाइस भी बोलते थे। इंटरकनेक्टिंग डिवाइस मीन्स कि राउटर जो है वो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता था इंटरनेट के साथ, ISP, इंडियन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। राउटर क्या करता था? पैकेट को भी रूट करता था कि पैकेट को किस रूट से जाना है ताकि ट्रैफिक का कोलिजन ना हो। तो राउटर एक रूट भी प्रोवाइड करता था। आगे देखते हैं कि राउटर की फंक्शनलिटी क्या है, राउटर कैसे काम करता है। ब्राउटर ब्राउटर एक हार्डवेयर डिवाइस है। ब्राउटर जैसे एक हार्डवेयर डिवाइस है, डेटा कनेक्टिंग डिवाइस इन नेटवर्क, जो क्या करता है, डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। डिवाइसेस में की मीन्स आप मान लें कि हार्डवेयर डिवाइसेस कोई भी है, जैसे सिस्टम है, डेस्कटॉप है, विंडो है, उनको सबको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोकल एरिया नेटवर्क का भी एक लेते हैं, स्विच को भी ले सकते हैं राउटर के साथ। ये कनेक्टिविटी के लिए यूज किया जाता है। ब्राउटरी फंक्शन बहुत है ब्रिज एंड राउटर। ब्राउटर के अंदर ब्रिज और राउटर की बहुत की फंक्शनलिटी है। इट एक्ट एज ए ब्रिज इन नेटवर्क एंड एक्ट एज ए राउटर इन इंटरनेटवर्क। इंटरनेटवर्क में ये राउटर का काम करता है और एक नेटवर्क के अंदर ये एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये ब्रिज का काम करता है। तो ब्राउटर एक्ट बोथ राउटेबल एंड नॉन राउटेबल फीचर बाय एक्टिंग एज ए राउटर फॉर राउटेबल प्रोटोकॉल एंड ब्रिज फॉर नॉन राउटेबल। जैसे ऊपर ही पढ़ा कि ब्रिज के क्या करता है, नेटवर्क के अंदर एक नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल करता है, मतलब उसके अंदर रिसीव करता है पैकेट को फॉरवर्ड करता है, और रूट राउटर के अंदर यह क्या करेगा, ये एक रूट करेगा ट्रैफिक को किस पाथ से जाना है, इससे क्या होगा, ट्रैफिक का कोलिजन कम होगा, स्पीड ज्यादा होगी। राउटर कैन फॉरवर्ड डाटा बिटवीन नेटवर्क सर्विंग एज ए ब्रिज। ब्रिज क्या करता है, डाटा को फॉरवर्ड करता है ओनली, बट कैन ऑल्सो रूट डाटा टू इंडिविजुअल सिस्टम विद इन ए नेटवर्क। और क्या करता है कि डाटा को रूट करता है कि किस पाथ से उसको भेजना है उसे, और उसमें राउटर का काम करता है। तो राउटर क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ राउटर एंड ब्रिज। और ब्रिज का भी काम करेगा, जहां ब्रिज का जरूरत पड़ेगी वहां ब्रिज का काम करेगा, राउटर का जहां जरूरत वहां राउटर का काम करेगा। उसके अंदर दोनों की फंक्शनलिटी है। ब्रिज सिंपली फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू द नेक्स्ट। ब्रिज क्या करता है, जस्ट रिसीव द पैकेट एंड फॉरवर्ड द पैकेट। मैंने पहले ही बताया था आपको कि ब्रिज एक ब्रिज में क्या फंक्शनलिटी थी, क्या थी, रिसीव करता था पैकेट को और फॉरवर्ड करता था। उसके अंदर इसको फिल्टर करने की प्रॉब्लम उसमें फंक्शनलिटी नहीं थी। ब्रिज का क्या, रिपीटर का भी काम करता था कि सिग्नल को रिसीव करता था, रीजनरेट करता था एंड रिट्रांसमिट करता था। ऑन द अदर राउटर क्या करता था, इज मोर एडवांस सिंस इट कैन रूट पैकेट टू स्पेसिफिक सिस्टम कनेक्ट टू द राउटर। क्या करता है, पैकेट को रूट करता है टू स्पेसिफिक सिस्टम, जिसके पास भेजना हो उसके लिए स्पेशली इसको रूट करेगा, और किसके
किस पैकेट के किस रूट से जाना है वो डिसाइड करेगा। ऑल्सो ब्राउटर कंबाइन कंबाइन दीज टू फंक्शन बाय राउटिंग सम इनकमिंग डाटा टू द करंट सिस्टम वाइल फॉरवर्डिंग अदर डाटा टू द अनदर नेटवर्क। तो क्या है, ब्राउटर इज द कम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन फ्रिज एंड राउटर। राउटर ऑपरेट एट बोथ द नेटवर्क लेयर फॉर राउटेबल प्रोटोकॉल एंड एट द डाटा लिंक लेयर फॉर नॉट राउटेबल प्रोटोकॉल। ब्रिज के अंदर जैसे राउटर के अंदर फंक्शनलिटी थी कि राउटर जो है OSI मॉडल के लेयर 3 पे नेटवर्क लेयर 3 डिवाइस पे काम करता था। लेयर 3 डिवाइस मतलब नेटवर्क लेयर पे काम करता था, जो जिसपे वो IP एड्रेस को देख के वो डाटा को सेंड करता था जिसके डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए। और जो ब्रिज था, ब्रिज हमारा क्या लेयर 2 डिवाइस है, जो डाटा लिंक लेयर पे काम करता था, जो मैक एड्रेस को देख के डाटा ट्रांसफर करता था। तो ब्राउटर के अंदर दोनों की फंक्शनलिटी आ गई, वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है और डाटा लिंक लेयर पे भी काम करता है। तो ब्राउटर इज द ऑपरेटर एट बोथ द लेयर नेटवर्क एंड डाटा लिंक लेयर। एडवांटेज ऑफ ब्राउटर, अब एडवांटेज पढ़ लेते हैं हम ब्राउटर के। ब्राउटर के लिए हम बोल सकते हैं कि जो ब्राउटर या कम्बिनेशन दोनों का है, ब्रिज और राउटर का, तो हम ब्रिज और राउटर की जो क्वालिटी हमें पता है उसको हम ब्राउटर के अंदर लिख सकते हैं। फर्स्ट पढ़ लेते हैं कि इट ऑफर बेस्ट रूट फॉर द डाटा पैकेट एंड हैंस रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। जो राउटर की क्वालिटी है कि वो क्या करता है कि बेस्ट रूट डिसाइड करता है पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए, उससे क्या होगा कि नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो रिड्यूस रहता है, वो कम रहता है नेटवर्क ट्रैफिक, कोलिजन नहीं होता हमारा जो डाटा है। दिस इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ इंटरनेट कनेक्शन एज इट ओनली ट्रांसमिट और रिसीव डाटा, जिससे क्या होगा कि जो उसकी स्पीड है वो काफी हाई रहेगी और जो हमें डाटा रिसीव और डाटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगी। इट सपोर्ट पैकेट फिल्टरिंग एंड पैकेट स्विचिंग लाइक राउटर। ब्राउटर के अंदर भी वही सेम क्वालिटी आ गई कि वो पैकेट को स्विचिंग एंड फिल्टरिंग का काम करता है। इट कैन बी यूज विद बोथ लैन एंड वैन नेटवर्क। ब्राउटर जो है वो जैसे लाइक ब्रिज जो है, ब्रिज क्या करता था कि दो लैंड नेटवर्क को लैंड नेटवर्क के बीच में यूज किया जाता था, बट जो राउटर था हमारा वो दो लैंड नेटवर्क को कनेक्ट करता था और लैंड नेटवर्क को वैन नेटवर्क के साथ कनेक्ट करता था। तो उसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि ब्राउटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ लैंड एंड वैन नेटवर्क। लाइक राउटर, ब्राउटर कैन रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक बाय क्रिएटिंग कोलिजन डोमेन एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन की हेल्प से ब्रोटर क्या करता है, नेटवर्क के ट्रैफिक को रिड्यूस करता है। ब्रोटर इज आल्सो यूज्ड फॉर इंटरकनेक्टिंग टू लैन वर्किंग ऑन द सेम प्रोटोकॉल। दो लैन और नेटवर्क को जो सेम आर्किटेक्चर पे काम कर रहे हैं उनको हम इंटरकनेक्टिंग मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने में, वाइड एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने में ब्रोटर जो है वो हेल्प करता है। ब्रोटर आर इंटेलिजेंस डिवाइस दैट अलाउ द पासिंग ऑफ ओनली दिस पैकेट एड्रेस फ्रॉम ए नोड फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क अनदर नोड इन द अदर नेटवर्क। दो अदर नेटवर्क, दो डिफरेंट नेटवर्क हैं उनके बीच में ब्राउटर है। ब्राउटर क्या करेगा, कोई भी पैकेट आएगा उसको पहले IP एड्रेस के हिसाब से उसको चेक करेगा किस IP के लिए है। अगर वो अदर नेटवर्क के में IP है तो उसको डाटा वो वहां पे ट्रांसफर करेगा, अगर उसमें नहीं है तो वो उसको वहीं ब्लॉक कर देगा, उसको नहीं भेजेगा। तब हम बोल सकते हैं कि ब्राउटर इज ए इंटेलिजेंस डिवाइस। राउटर डिसाइड द बेस्ट पाथ फॉर फॉरवर्डिंग द डाटा पैकेट और टू अवॉइड। जो ब्राउटर है उसके अंदर वही राउटर की क्वालिटी है कि वो बेस्ट बेस्ट पाथ डिसाइड करता है डाटा पैकेट को ट्रांसफर करने के लिए। इट कैन कनेक्ट विद डिफरेंट मीडियम, उसमें बहुत सारे मीडियम भी यूज कर सकते हैं हम। डिसएडवांटेज ऑफ ब्राउटर, ब्राउटर की क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या ड्रॉबैक हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशन है उसके बारे में जान लेते हैं। ब्राउटर क्या कम्बिनेशन है ब्रिज एंड राउटर, तो हम ब्रिज और राउटर के अंदर जो लिमिटेशन थी उसको लिख सकते हैं। स्पेशली हम राउटर की जो लिमिटेशन है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रिज जो है उससे उससे एडवांस उससे उससे मोर फंक्शनलिटी वाला राउटर था। तो जो ब्रिज के अंदर लिमिटेशन थी वो राउटर ने पूरी कर दी, इसलिए हम राउटर की लिमिटेशन को हम ब्राउटर में लिख सकते हैं। तो इट इज एक्सपेंसिव लेयर टू कंपेयर टू हब रिपीटर। ये हब और रिपीटर ब्रिज स्विच से काफी एक्सपेंसिव है क्योंकि इसके अंदर दो क्वालिटी है, ब्रिज और राउटर की।
इट इज कम्प्लेक्स टू मैनेज एंड रिक्वायर्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। उसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन और इसको कम मुश्किल होता है ये इसको मैनेज करने में। द ब्राउटर इज स्लोअर देन द अदर नेटवर्क डिवाइस लाइक ब्रिज रिपीटर। ब्रिज रिपीटर से इसको स्लो क्यों, क्योंकि ये तो एडवांस वर्जन से बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी है ब्रिज और रिपीटर से इसके अंदर, फिर भी हम इसको स्लोअर बोल रहे हैं। क्योंकि एज कम्पेयर टू डाटा ट्रांसफरिंग के हिसाब से देखे जाए तो ब्रिज को रिपीटर में क्या काम था, ब्रिज क्या रिपीटर को पैकेट को सिर्फ रिसीव करता था और ट्रांसपोर्ट करता था, और रिपीटर क्या करता था उसको रीजनरेट एंड रीट्रांसमिट। तो उनके अंदर इसको एनालाइज करने की उनके अंदर एबिलिटी नहीं थी। तो ये ब्राउटर क्या करता है, लेयर टू में भी लेयर थ्री का डिवाइस है, तो इसको इसको एनालाइज करने में इसको टाइम लगता था। इसको ये स्लो डिवाइस, स्लो नेटवर्किंग, स्लो डाटा ट्रांसफरिंग डिवाइस बोल सकते हैं। लाइक राउटर, ब्राउटर आर प्रोटोकॉल डिपेंडेंट डिवाइस दैट हैव टू अंडरस्टैंड एंड द नेटवर्क प्रोटोकॉल दे आर फॉरवर्डिंग आर फेल टू कंप्लीट ए कनेक्शन। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।